चीन पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान से भारतीय जनता पार्टी गुस्से में नजर आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस सेना का अपमान बंद करे और राष्ट्रीय एकता के सही अर्थ को समझे। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर भी ऐसा ही किया था, सेना का सम्मान करे, अभी भी देर नहीं हुई है। नड्डा ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी पर 130 करोड़ भारतीयों का विश्वास है। 2010 से 2013 के बीच LAC पर 600 बार घुसपैठ हुई। कांग्रेस ने चीन के सामने सरेंडर किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चीन के सामने 43,000 किलोमीटर का भारतीय हिस्सा सरेंडर कर दिया था। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता है। यह बात आपकी जुबान से निकलती है, इस बात को समझना चाहिए, आपके ट्विटर से निकलती है। इसलिए भगवान भी शुभ सोच रहा है, इस बात को समझना चाहिए। You should understand the language of God. मोदी जी नरों के ही नेता नहीं, नरों के ही राजा नहीं, सुरों के, देवताओं के भी राजा, इस तरीके की भाषा बनती है, ये हमको समझना चाहिए। उन्होंने कहा, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का बयान केवल एक शब्दों का खेल है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के आचरण से किसी भी भारतीय को इस तरह के बयान पर विश्वास नहीं होगा। यह वही कांग्रेस है जिसने हमेशा हमारे सशस्त्र बलों का मनोबल तोड़ा। भारत प्रधानमंत्री मोदी पर पूरी तरह से विश्वास करता है। 130 करोड़ भारतीयों ने परीक्षा की घड़ी में पीएम मोदी के नेतृत्व को देखा है। उन्होंने हमेशा राष्ट्र को सबसे ऊपर रखा है। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह निश्चित रूप से विभिन्न विषयों पर अपने विचार शेयर कर सकते हैं, लेकिन पीएमओ की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। उस UPA वाला सिस्टम दफ्तर से साफ हो गया है जहां सेना का अपमान किया जाता था। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह बयान पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के भारत चीन संघर्ष पर दिए बयान के बाद आया है। बता दें कि जेपी नड्डा ने सिलसिलेवार ट्वीट करके कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दीपक कुमार, पंजाब केसरी, स्टूडियो दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।